तो यार हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तो गुलदार वैली के बाद यार हम लोग जा रहे हैं एक बहुत शानदार पुल में। वीआईपी सब अपने मित्र हैं और हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और आज हम लोग जा रहे हैं एक मस्त सी लोकेशन पे, जिसका टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं गुलदार वैली, और हो रही है यहाँ पे ज़्यादा गर्मी, तो इसीलिए आज हम लोग जाने वाले हैं गुलदार वैली। और यार गुलदार वैली में बढ़िया है नहाने वाने का, तो देखते हैं आज नहाने का अपना क्या बनता है सीन। और अपन लोग निकल जाते हैं यार कौसानी वाली रोड में। तो आज मैं हमारे साथ मोहित भाई भी हैं, तो हम दोनों आज निकल पड़े हैं अपने। तो यार हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, ये सामने ही है गुलदार वैली, और अभी हम चलते हैं। और अभी हमने पीछे देखा था तो वहाँ पे पानी थोड़ा सा कम था, उस पानी कम होने की वजह से हमारा थोड़ा सा मूड थोड़ा सा डाउन हो गया था। हम सोच रहे थे कि यार हमें आगे पानी अच्छा खासा मिलेगा या नहीं, बट यहाँ को पानी सही दिख रहा है, तो आगे चलते हैं। तो यार हम लोग पहुँच गए हैं गुलदार वैली में, और यार यहाँ पे होम स्टे, होम कैफ़े और रिवर साइड में यहाँ पर कैंपिंग करने का भी ऑप्शन है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो यार हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, और अभी साथ में मोहित भाई भी हैं आज हमारे। और यार गुलदार वैली में सबसे ऑप्शन यहाँ पे ये भी है, होम स्टे भी है और आपका होम कैफ़े, और रिवर साइड में कैंपिंग भी होती है, तो वहीं जा रहे हैं। और ये रहा रास्ता, तो हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। तो यार हम लोग पहुंच गए हैं आपका गुलदार वैली, और ये रहा यहाँ का कुछ नज़ारे। और पानी बिल्कुल पूरा साफ है यार यहाँ पे। तो मैं आ गया हूँ इधर साइड में, और भाई बैठा हुआ वहाँ पे। और यार थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए हमको ये पूरा पार करना पड़ा, भी आप लोग सिनेमैटिक शॉट के इंजॉय लीजिए तब तक। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आए हैं गुलदार वैली में, जैसे कि आपको पता है। इससे पहले हम आए थे, हमारे सर की पार्टी थी उसमें आए थे, यहीं बैठे थे सामने, और सामने रेस्टोरेंट है, यहीं से सर्विस मिली थी हमें। और एक बार सोहित भाई और मैं भी आए थे, सोहित भाई देख रहे होंगे तो याद करना उस दिन को। और बाकी मस्त इलाका है, अच्छा लगता है हमको। और मेनली यहाँ है गुलदार वैली नाम इसका। गुलदार वैली क्यों पड़ा है, यहाँ पर सामने गुलदार रहता है, उसकी गुफा है, दिन में भी आपको चलते फिरते दिख जाएगा। थोड़ा सा आपको इसके बाद दिखाएंगे कि कहाँ पर रहता है, दिखेगा तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे बाहर आएगा तो। दोस्तों जो सामने का एरिया है यहीं पर गुलदार रहता है। जब हम पिछली बार आए थे यहाँ पर एक मादा गुलदार थी बड़ी, और उसके चार बच्चे हमें दिखे थे। आज नसीब में हो तो क्या पता दिखे अभी थोड़ी देर में। बाकी ये एरिया है, इसी के नाम पर यहाँ का नाम गुलदार वैली रखा है, जो रेस्टोरेंट का नाम है, और ये जगह का नाम भी गुलदार वैली पड़ गया उसके उस वजह से। तो यार जो अल्मोड़ा से
गुलदार वैली का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, और आप लोगों का अगर आना है तो यहाँ आने के लिए मतलब 20 किलोमीटर आपको तय करना पड़ेगा, उसके बाद ये आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। तो गुलदार वैली के बाद यार हम लोग जा रहे हैं एक बहुत शानदार पुल में, और चलते हैं अभी सामने रहा ये पुल। तो आज आप क्या सुनाने वाले हैं हमको? सुनाने के जा रहे कबीरदास का दोहा है ख्याल में। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। यही है फिर तो बढ़िया था। ये वीआईपी सब अपने मित्र हैं और कोई अपना दुश्मन नहीं, सब बढ़िया एकदम मस्त। यार इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड हम लोग यहीं करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के फैमिली मेंबर बन जाइए आप लोग। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में।